तो फिर मुबारकबाद के हकदार हैं सालिया नशीर पहले खुद जिन्होंने सालिया शरीर उस चीज़ को ट्रांसलेटिंग एक्शन जिसको बोलते हैं हमारे शहर के जाने माने हस्ती है जो किताब से ज़्यादा दस्त रखते हैं मैं उनको अब दावत देता हूँ कि वो कुछ अल्फाज बोले आज हम कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड पे खड़े हैं। आज एक बुक लॉन्च थी, इनफैक्ट ये सालिहा शबीर एक बच्ची हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है हबा खातून पे, उसका टाइटल है जून। एक बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट है, छोटी उम्र में छोटे बच्चे इस तरफ उनका रुझान देखना ये बहुत ही खुशी की बात है। इसी बुक का आज लॉन्च होना था यहाँ पे, तो ये शुरू हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। तो बस यही मैसेज है आज के दिन के हवाले से कि तालीम जो है, पढ़ाई जो है, ये हमारी पहचान है, ये इंसान की पहचान है। तालीम को प्रमोट करना, तालीमी इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना, इसीलिए हम आज यहाँ आए थे। मोहतरम ज़रीफ़ साहब भी बैठे थे, तो पढ़ के थोड़ा, अभी थोड़ी ही पढ़ ली, लेकिन बहुत ही डीप और गहरे ख्यालात इसमें हैं। और हमारे कल्चर जो हमारा जे एंड के हैं, रिच हैं ट्रेडिशन इन एजुकेशन। देखिए आप, अगर आप बात करेंगे कि हबा खातून किस ज़माने में श्रीनगर कश्मीर में वारद हुई और अपनी जो शायरी थी वो एजुकेशन थी, वो रूहानियत थी, तो वो प्रमोट करना हम सब का फ़र्ज़ है। पढ़ाई की तरफ हम रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों से, जितने भी बच्चे हैं, हालात थोड़े से ठीक नहीं है, डिप्रेसिव एनवायरनमेंट है। इस दौर में सिर्फ एक ही चीज़ इंसान का साथी होता है, वही किताब। तो किताबों की तरफ से ज़्यादा रुझान और लगाव रखना ही इंसान की जो है सेटिस्फेक्शन एंड तक रहती है इसी चीज़ से, कि वो किताब के साथ जुड़े रहे, पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े रहे और माँ बाप की दुआएं हासिल करें। हमें यही उम्मीद है अपने बच्चों से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें और डिप्रेशन या जो कोविड वगैरह के हालात बने हुए हैं, सिचुएशन, उसको भूल जाए। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और पढ़ाई की तरफ ध्यान रखेंगे तो आप खुद ब खुद खुश रहें और सेटिस्फाइड रहते हैं। हबा खातून हमारा एक कल्चर, कल्चर का नाम, हमारे ट्रेडिशन का नाम, जो हम आम लोग भूल चुके हैं। और मेरी यही कोशिश है कि मैं इस हबा खातून को लोगों तक लाऊं। मैं सालिहा शबीर, ऑथर हूं जून दी हार्ट ऑफ हबा खातून की, और इस बुक के ज़रिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग हबा खातून को पढ़े, उनकी असली पोइट्री को पढ़े और जाने कि हमारा बेसिक वजूद क्या है। और जो लोग बाहर हैं, जो कश्मीर से बिलोंग नहीं करते हैं, वो ये देखें कि कश्मीर क्या है और कश्मीर से कैसी पर्सनालिटीज़ आई हैं। आज के इवेंट में आपने किन पर्सनालिटीज़ को बुलाया? आज के इवेंट में हमारे साथ थे एडीसी साहब सईद हनीफ बल्खी, हमारे साथ ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब थे, शेख आदिल साहब थे, आरजे नासिर साहब थे, महमीद मैम थी, महमीद सईद, डॉक्टर असमा थी, एंड और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया कि मैं अपनी बुक को ऑडियंस तक ले लूँ। जो पार्टिसिपेंट्स थे, सबसे पहले दो छोटे बच्चे थे जिन्होंने तलावत पाक का ये किया और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने कुरान के बलबूते पे कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, हमारे इस्लाम को साइड पे, हमारे रिलीजन को चला रहे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो आए और लोगों को सुनाए कि हम खाली नहीं मॉडर्निटी की बात करें, हम अपने रिलीजन के साथ भी कनेक्टेड है। इसके अलावा जस्ट फॉर हर बैंड था, आश द बैंड था, सैंड आर्ट था साहिल मंजूर का, जो सैंड से आर्ट करके लोगों को ये दिखा